तो भाई यार, क्या आप लोग को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर फ्लाइंग व्हीकल्स का चीट कोड पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आज मैं आप लोग को जितने भी फ्लाइंग व्हीकल्स है सबके बारे में मैं बताने वाला हूँ, चीट कोड भी बताऊंगा और मैं थोड़ा बहुत फ्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो भाई यार, इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप करके मत जाना, नहीं तो आप लोग भाई कंफ्यूज रह जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग भाई फ्लाइंग व्हीकल बुलाने वाले हैं प्लेन, और प्लेन का चीट कोड यहाँ पे होने वाला है 555। जैसे ही आप लोग भाई 555 पे डायल करके यहाँ पे कॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा। आप इस प्लेन को आराम से उड़ा सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा आसान है, आपके भाई कंट्रोल के बाहर नहीं जाएगा ये। तो यहाँ पे भाई मैं थोड़ा दूर तक उड़ा के आपको दिखा देता हूँ। अबे शर्म नहीं आता है, बीच रोड पे चल रहा है। अच्छा, इसकी गलती नहीं, हमारी गलती है, हम बीच रोड पे प्लेन उड़ा रहे हैं। तो हमारी प्लेन भाई रियल में उड़ चुकी है। भाई हम लोग रियल लाइफ में नहीं उड़ा रहे, गेम के अंदर ही उड़ा लेते हैं। तो ये मैं हवाइयों की ऊंचाइयों में आ चुका हूँ, चारों तरफ बादल ही बादल, और ये शहर के अंदर एंट्री हो चुका है। मैं यहाँ पे स्टंट करने की कोशिश करता हूँ, बिल्डिंग्स के बीच में से निकालूंगा अपना प्लेन, और अरे ठोकर लगेगा, ठोकर लगेगा। लोल, यहाँ पे ठोकर लग चुका है, फिर भी हमारा प्लेन कंट्रोल में है। भाई मैं थोड़ा सा इसे भाई अभी डिसबैलेंस कर लिया था, बट अच्छी बात तो ये है इतनी खतरनाक ठोकर लगने के बाद भी हमारा प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। अब इसे भाई मैं लैंड कराने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये ठोकर खाने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर जा चुका है, बट कंट्रोल हो रहा है। भाई मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ जहाँ से उड़ा करके लेकर के आया हूँ वहीं ले जा करके हम लोग रख देंगे, बट ये मेरे थोड़े से कंट्रोल के बाहर जा रहा है और यहाँ पे ये क्रैश हो चुका है। बट कोई बात नहीं, इसमें से अब हम लोग उतरते हैं, दूसरे प्लेन का चीट को ट्राई करते हैं। इस बार भाई हम लोग हेलीकॉप्टर मंगाएंगे। और रे, इतनी कम ऊंचाई से गिरने के बाद तुम्हारे को चोट लग गई? अरे भाई प्लेन अच्छा हुआ इसके बॉडी पे नहीं गिरा, नहीं तो इसकी चटनी बन जाती। चलो यहाँ पे मैं सेफ हो चुका हूँ, अब हेलीकॉप्टर का चीट कोड यहाँ पे डालते हैं 8000। जैसे ही आप लोग यहाँ पे डायल करके कॉल करोगे तो आपके सामने हेलीकॉप्टर आ जाएगा। प्लेन से बहुत ज्यादा इजी है हेलीकॉप्टर को उड़ाना, और लैंडिंग भी इसकी काफी ज्यादा सेफ है। इसको हम लोग भाई अपने घर की साइड में लेकर के चलते हैं, जहाँ पे हमारा घर है वहां पे जाने के बाद इसको मैं सेफ्टी के साथ लैंड कराऊंगा, और दूसरा आप लोग को भाई फ्लाइंग व्हीकल का चीट कोड बताऊंगा, जो कि भाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर मेरी मस्त उड़ रही है भाई, एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है। मैं यहाँ पे भाई अगर फाइट कर पाता तो और मजा आता यार, मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर रॉकेट लॉन्चर वगैरह लगाओ भाई, ताकि मैं ऊपर से भी फाइट कर सकूं, मतलब यार लोगों को भाई किल कर सकूं। अगर सोचो इस हेलीकॉप्टर के अंदर रॉकेट या फिर बुलेट्स का ऑप्शन आ जाए, तब तो भाई गोलियां चलाने में कितना मजा आएगा ना। मैं तो सबसे पहले ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है ना, इस पे ही रॉकेट लॉन्चर की गोलियां चलाऊंगा। और यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स के पास आ चुका हूँ, लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है प्लेन के मुकाबले, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और मेरे पंखे इसमें लड़े ना, नहीं 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 नहीं, वो भाई सेफ्टी के साथ हम लोग बगल से निकाल के आ चुके हैं, और सामने मेरा घर भी दिख रहा है, स्विमिंग पूल वाला हमारा घर है भाई, वहां पे चल करके मैं सोच रहा हूँ छत पे उतारू क्या, नहीं छत छोटा पड़ जाएगा, हम लोग छत पे अगर उतार भी देते हैं तो भाई दूसरा वाला जो हम लोग व्हीकल मंगाएंगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बुलाना, इसीलिए इस हेलीकॉप्टर को हम लोग रोड पे ही उतारते हैं जहाँ पे हमारा घर है, बस यही जस्ट घर के बाहर उतार देते हैं। तो यहाँ पे भाई सेफ लैंडिंग हो चुकी है, हेलीकॉप्टर हमारी यहाँ पे आ चुकी है, अब मैं इसमें से बाहर निकलता हूँ। इसके बाद भाई हम लोग दूसरा व्हीकल मंगाने वाले हैं, जिसका नाम है भाई जैकपैक, और जैकपैक का चीट कोड है यहाँ पे 320 पे। जैसे ही आप लोग भाई डायल करोगे आपके सामने जैकपैक आ जाएगा। लुको यार, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, 320 यहाँ पे टाइप करके मैं जैसे ही कॉल किया जैकपैक आ चुका है। ये भी काफी अच्छा व्हीकल है भाई, इसको कंट्रोल करना तो और भी ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो हम लोग प्लेन का देखे, जो भाई कंट्रोल के थोड़ा सा बाहर निकल गया था, बट हेलीकॉप्टर तो आराम से हम लोग का भाई उड़ रहा था। यहाँ पे ये देख सकते हो जैकपैक भी भाई, इसकी स्पीड काफी अच्छी है यार, फ्लाई भी आराम से हो जा रहा है, कंट्रोल भी बहुत अच्छा है इसका। हम लोग इसको अभी वापस से लेकर के चलेंगे अपने घर के साइड में, और इसको मैं छत पे लैंडिंग कराऊंगा। छत पे लैंडिंग कराने के बाद हम लोग भाई दूसरा व्हीकल मंगाएंगे, वो भी भाई इसी तरह मस्त रहेगा, उसका भी नाम समझ लो ऐसे ही है जैकपैक, लेकिन वो मिनी होने वाला है। ये तो हम लोग का जैकपैक बड़ा वाला है, मिनी वाला भी जैकपैक अभी हम लोग मंगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं छत पे आकर के इसको अच्छे से लैंडिंग करा दिया हूँ, अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, दूसरा वाला व्हीकल हम लोग मंगाते हैं, और दूसरे वाले व्हीकल का नाम भी है जैकपैक, लेकिन ये मिनी है, और मिनी का चीट कोड है 300। जैसे ही आप लोग भाई
120 पे डायल करके कॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जैकपैक मिनी वाला आ जाएगा। इसको भी लेकर के आप फ्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई डीजल या पेट्रोल या नाइट्रोजन जो भी इसके अंदर है वो खत्म हो जाएगा। आप भाई जितनी देर तक हवा में उड़ना चाहते हो उड़ो, और इसको भी कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान है। अभी मैं इसको लेकर के चलता हूँ सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे और सेफ्टी के साथ लैंडिंग करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो भाई यार ये जितने भी हम लोग के पास व्हीकल है, फ्लाइंग व्हीकल, मैंने सबका चीट कोड बता दिया है। इसके अलावा कोई अगर फ्लाइंग व्हीकल आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस चीट कोड को भी मैं ट्राई करूंगा और देखूंगा कैसा है वो व्हीकल। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे आ चुका हूँ। अरे ठोकर नहीं लगना भाई, ठोकर नहीं लगना। यहाँ पे भाई अच्छे तरीके से हम लोग इस छत के ऊपर आ चुके हैं। ये भाई सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग है यहाँ पर, और इस बिल्डिंग से अब मैं भाई छलांग लगाने वाला हूँ। ऊपर से गिरने के बाद हमारा भाई चटनी बनेगा। तो भाई यार कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। ऐसे ही और भी चीट कोड के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने भाई ऊपर में मेंशन कर दिया है, दोनों में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हो।